फिर जाएंगे नीतीश कुमार। अब जो भी कुछ बचा खुचा है सब समाप्त करवा दीजिए क्या उनका, बीजेपी में फिर से गए तो जनता भाषण करने देगी उनको? भाई व्यक्तिगत भी तो कुछ होता है, राजनीति से अलग नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत चेहरा भी एक रहा है, और मैं भी उनका आदर सम्मान सत्कार मन से दिल से करता हूँ एक व्यक्ति के रूप में, मेरे लिए आदरणीय है आज भी। लेकिन जो भी आदरणीय है न सिर्फ मेरे लिए और बहुत सारे लोगों के लिए, अब फिर से अगर उस तरह से करेंगे नीतीश जी तो फिर क्या बचा रह जाएगा राजनीति? हालांकि यह उनका निर्णय होगा, उसमें मेरे कहने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मुझको लगता है कि रहा सहा शब्द सब कुछ अब स्वाहा ही अगर हो जाना है तो फिर उनकी मर्जी, उसमें हम क्या करेंगे। तो जैसा कि जानकारी आपको दी गई और पहले से भी मालूम होना चाहिए कि पार्टी गठन के बाद एक विशेष यात्रा पर 28 फरवरी से ही हम लोग निकले हुए हैं। प्रथम चरण की यात्रा की शुरुआत चंपारण गांधी जी की कर्मभूमि से हुई और फिर कल जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी के गांव में थे, वहां से रात्रि विश्राम यहाँ हुआ, और इसके बाद फिर अभी हम लोग जाएंगे छपरा, स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी का गांव है, और फिर चंद्रशेखर सिवान उनका गांव है, वहां जाएंगे। प्रथम चरण की यात्रा का आज अंतिम दिन है, फिर दूसरे चरण की यात्रा में हम लोग गंगा के उस पार 15 मार्च से शुरू करेंगे और 20 मार्च तक यात्रा चलेगी। तो इस तरह से जहां जहां महापुरुष हमारे बीच से हुए हैं उनको याद करने के लिए सभी जगह जाने का यह कार्यक्रम है। देखिए बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन दिखा और यह मुजफ्फरपुर की धरती हमेशा से बहुत ही महत्वपूर्ण रही है बिहार की राजनीति के लिए और देश की राजनीति के लिए भी। जब हम मुजफ्फरपुर की चर्चा करते हैं तो सहसा हमारे दिमाग में समता पार्टी के गठन का वह दौर भी याद हो जाता है जब फकुली में जॉर्ज फर्नांडिस साहब के काफिला पर हमला हुआ था, कारवां की शुरुआत थी उस समय। हमला के बाद जॉर्ज साहब ने कहा कि कुछ भी हमला हो हमारा कदम नहीं रुकेगा, और जिस कुशासन के खिलाफ हमने अभियान की शुरुआत की है यह कुशासन एक दिन जरूर समाप्त होगा, इसका अंत किए बिना हम दम नहीं लेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन्होंने इस अभियान को बिहार में आगे बढ़ाया, हर तरह की परिस्थिति का सामना करते हुए मुजफ्फरपुर से एक तरह से कहिए कि शुरुआत हुई और पूरे बिहार में फिर बात गई। इसी मुजफ्फरपुर की धरती से जॉर्ज साहब की जो राजनीति उस वक्त शुरू हुई थी, जॉर्ज साहब हमारे बीच नहीं है लेकिन उस राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था कुरहन्नी उपचुनाव का परिणाम। समता पार्टी के बाद जनता दल यूनाइटेड का दौर आया और बहुत कुछ ठीक ठाक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा था। कुरहन्नी का जो उपचुनाव हुआ उस चुनाव ने एक मैसेज दिया जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेताओं के लिए, बड़ा मैसेज था। मैसेज था कि आप संभल सकते हैं तो संभल जाइए, वरना आगे बहुत नुकसान होगा आपका भी, और आप नहीं संभले और कोई राजनीतिक हस्तक्षेप अलग से नहीं हुई तो बिहार का भी बड़ा नुकसान होगा। साफ साफ मुजफ्फरपुर का जो चुनाव कुरहन्नी का था उससे यह मैसेज निकला।
महागठबंधन, आपको याद होगा कि यहाँ का जो उपचुनाव था उसके पहले बन चुका था, मतलब महागठबंधन बनने के बाद पहला लिटमस टेस्ट था उस महागठबंधन के लिए, और उस लिटमस टेस्ट में जनता ने अपना फैसला सुना दिया, और वह फैसला खासकर नीतीश कुमार जी को उससे मैसेज रिसीव करना चाहिए था। हमने उसी जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से कही कि हम सभी के लिए, मतलब जनता दल यूनाइटेड के सभी नेताओं के लिए संदेश है कि हम जनता को अपने हिसाब से चलाएंगे तो जनता नहीं चलेगी, जनता के हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ेगा। यह साफ है, सोशल मीडिया में ट्विटर अकाउंट खोलकर अभी मेरा देखा जा सकता है। हमने उसके बाद लगातार पार्टी में प्रयास किया, मुख्यमंत्री जी से मिलकर सारी चीजों को रखा, पार्टी के विभिन्न मंचों पर हमने कहा कि हमारा जो जन आधार समता पार्टी के दौरान से लेकर अब तक निर्मित हुआ, नीतीश कुमार जी के एक डिसीजन के चलते उस जनाधार में ही बिखराव शुरू हो गया। पुरन्नी का उपचुनाव यही मैसेज दे रहा था, समता पार्टी के दौर में जो सोशल सामाजिक आधार बना उस पार्टी का प्रारंभिक दिनों में, उसी में दरार होता हुआ दिखा, साफ साफ दिखा कुरन्नी में। जो हमारा आधार वोट था मौलिक रूप से लाभ कुश अति पिछड़ा समाज के लोग, इस वोट में बड़े पैमाने पर डिवीजन हो गया। परिणाम सामने है, हम लोग न सिर्फ चुनाव हारे लेकिन चुनाव हार से भी बड़ा एक मैसेज उसमें था, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जनरल इलेक्शन 2020 में जितना वोट मिला था लगभग उतना ही वोट इस बार भी मिल गया, जनता दल यूनाइटेड उनके साथ था तो भी उतना ही वोट, साथ नहीं था अभी उपचुनाव में तो भी उतना ही वोट। तो 2020 में जनता दल यूनाइटेड के कारण जो उनको वोट मिला था, वोट बीजेपी को इस बार मिल ही गया, वह वोट भी जेडीयू वाला वोट बीजेपी को मिल गया, इस बात को समझना चाहिए था। हमने बहुत प्रयास किया कि जनाधार हमारा खिसक रहा है, नीतीश जी संभालिए नहीं तो बहुत नुकसान होगा, लेकिन अपने फैसला पर अडिग रहे। अब उनका फैसला है कि पूरी पार्टी को, पूरा बिहार को राष्ट्रीय जनता दल के हवाले कर दे, फैसला सुना दिया है उन्होंने। हम लोगों ने ऐतराज व्यक्त किया कि नहीं, ऐसा होगा तो न सिर्फ पार्टी का नुकसान होगा बल्कि बिहार का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, पार्टी के आप नेता हैं, पार्टी का नुकसान करना चाहते हैं तो एक बात है, हम लोग भी इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि दम साध करके स्वीकार कर ले, लेकिन बिहार का नुकसान हो इसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, हम लोगों ने साफ साफ कहा। और अंत तक हमारी बातों पर कोई ध्यान नहीं हुआ तो दीवार पर सामने लिखा हुआ है, अब दीवार पर लिखी गई बातों को नीतीश जी नहीं समझ पा रहे तो उनकी मर्जी, जेडीयू को उन्होंने आरजेडी के हवाले कर दिया है, अब जेडीयू उनकी पार्टी है, हम लोग तो अलग लाइन ले लिए हैं, अब उनका मामला है जाने वो, लेकिन बिहार को हम आरजेडी के हवाले नहीं होने देंगे, यह हम और हमारे साथियों का संकल्प है। इसी मुजफ्फरपुर की धरती से जोर साहब की जो राजनीति उस वक्त शुरू हुई थी, जोर साहब हमारे बीच नहीं है लेकिन उस राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था कुरहन्नी उपचुनाव का परिणाम। समता पार्टी के बाद जनता दल यूनाइटेड का दौर आया और बहुत कुछ ठीक ठाक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा था। कुरहन्नी का जो उपचुनाव हुआ उस चुनाव ने एक मैसेज दिया जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेताओं के लिए, बड़ा मैसेज था, मैसेज था कि आप संभल सकते हैं तो संभल जाइए वरना आगे बहुत नुकसान होगा आपका भी,
और आप नहीं संभले और कोई राजनीतिक हस्तक्षेप अलग से नहीं हुई तो बिहार का भी बड़ा नुकसान होगा। साफ साफ मुजफ्फरपुर का जो चुनाव कुढ़न्नी का था उससे यह मैसेज निकला। महागठबंधन आपको याद होगा कि यहां का जो उपचुनाव था उसके पहले बन चुका था, मतलब महागठबंधन बनने के बाद पहला लिटमस टेस्ट था उस महागठबंधन के लिए, और उस लिटमस टेस्ट में जनता ने अपना फैसला सुना दिया और वह फैसला खासकर नीतीश कुमार जी को उससे मैसेज रिसीव करना चाहिए था। हमने उसी जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से कही कि हम सभी के लिए, मतलब जनता दल यूनाइटेड के सभी नेताओं के लिए संदेश है कि हम जनता को अपने हिसाब से चलाएंगे तो जनता नहीं चलेगी, जनता के हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ेगा। यह साफ है, सोशल मीडिया में ट्विटर अकाउंट खोलकर अभी मेरा देखा जा सकता है। हमने उसके बाद लगातार पार्टी में प्रयास किया, मुख्यमंत्री जी से मिलकर सारी चीजों को रखा, पार्टी के विभिन्न मंचों पर हमने कहा कि हमारा जो जन आधार समता पार्टी के दौरान से लेकर अब तक निर्मित हुआ, नीतीश कुमार जी के एक डिसीजन के चलते उस जनाधार में ही बिखराव शुरू हो गया। कुढ़न्नी का उपचुनाव यही मैसेज दे रहा था। समता पार्टी के दौर में जो सोशल सामाजिक आधार बना उस पार्टी का प्रारंभिक दिनों में, उसी में दरार होता हुआ दिखा, साफ साफ दिखा कुढ़न्नी में। जो हमारा आधार वोट था मौलिक रूप से लव कुश अति पिछड़ा समाज के लोग, इस वोट में बड़े पैमाने पर डिवीजन हो गया। परिणाम सामने है, हम लोग न सिर्फ चुनाव हारे लेकिन चुनाव हार से भी बड़ा एक मैसेज उसमें था, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जनरल इलेक्शन 2020 में जितना वोट मिला था लगभग उतना ही वोट इस बार भी मिल गया। जनता दल यूनाइटेड उनके साथ था तो भी उतना ही वोट, साथ नहीं था अभी उपचुनाव में तो भी उतना ही वोट। तो 2020 में जनता दल यूनाइटेड के कारण जो उनको वोट मिला था, वोट बीजेपी को इस बार मिल ही गया, वह वोट भी जेडीयू वाला वोट बीजेपी को मिल गया, इस बात को समझना चाहिए था। हमने बहुत प्रयास किया कि जनाधार हमारा खिसक रहा है, नीतीश जी संभालिए नहीं तो बहुत नुकसान होगा, लेकिन अपने फैसला पर अडिग रहे। अब उनका फैसला है कि पूरी पार्टी को, पूरा बिहार को राष्ट्रीय जनता दल के हवाले कर दे, फैसला सुना दिया है उन्होंने। हम लोगों ने एतराज व्यक्त किया कि नहीं, ऐसा होगा तो न सिर्फ पार्टी का नुकसान होगा बल्कि बिहार का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, पार्टी के आप नेता है, पार्टी का नुकसान करना चाहते हैं तो एक बात है, हम लोग भी इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि दम साध करके स्वीकार कर ले, लेकिन बिहार का नुकसान हो इसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, हम लोगों ने साफ साफ कहा। और अंत तक हमारी बातों पर कोई ध्यान नहीं हुआ तो दीवार पर सामने लिखा हुआ है, अब दीवार पर लिखी गई बातों को नीतीश जी नहीं समझ पा रहे तो उनकी मर्जी, जेडीयू को उन्होंने आरजेडी के हवाले कर दिया है, अब जेडीयू उनकी पार्टी है, हम लोग तो अलग लाइन ले लिए हैं, अब उनका मामला है जाने वो, लेकिन बिहार को हम आरजेडी के हवाले नहीं होने देंगे, यह हम और हमारे साथियों का संकल्प है। कौन बोल रहा है? अरे भैया तेजस्वी, आप उनके विधायक रोज क्या कह रहे हैं, उनके विधायक एक नहीं कई विधायक रोज बोल रहे हैं, कोई कह रहे होली के बाद, कोई कह रहे खाली कीजिए जाइए। अब देखिए, कोई विधायक किसी पार्टी का इस तरह से बिना नेता की मर्जी का बोल सकता है क्या? लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ऐसी बात की जा रही। हमने अभियान की शुरुआत कर दी,
तो इसलिए थोड़ा कदम उन लोगों का अभी रुक गया है, छिछक गया है। बाकी अंदर में सारी चीजें तय है। और एक चीज और समझ ली, ठीक है शपथ ग्रहण अभी नहीं हुआ है उस रूप में, लेकिन एक्शन क्या है? एक्शन तो पूरे के पूरे तौर पे ऐसा एक्शन है जैसे लग रहा हो कि नीतीश कुमार जी डिप्टी सीएम है और तेजस्वी यादव सीएम है। मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा, मीडिया के बंधु ने उनसे सवाल किया मंत्री परिषद का विस्तार कब होगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डिप्टी सीएम से पूछ लीजिए। अब बताइए डिप्टी सीएम का विषय होता है क्या? यह विषय सीएम का होता है। और इतना ही नहीं, अब ढाई घंटा तक बैठकर मुख्यमंत्री इंतजार करे अपनी मंत्रिपरिषद के किस सदस्य का एक सरकारी कार्यक्रम में, आजादी के बाद आजाद हिंदुस्तान में संभवतः देश की यह पहली घटना होगी। तो इस तरह की स्थिति आरजेडी के लोगों ने बना दी है, महज औपचारिकता बाकी है। बाकी तो सब हर तरह से आरजेडी के जिम्मे ही पूरा शासन चला गया है, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना। हाँ बिल्कुल ठीक आप बता रहे, महागठबंधन में जाने पर मेरी सहमति थी, विरोध की बात छोड़ दीजिए साफ है, महागठबंधन में जाने पर मेरी भी सहमति थी। जेडीयू ने जो महसूस उस वक्त किया उस कारण से आदरणीय नेता ने तय किया, नीतीश जी ने, हमने कहा कि बिल्कुल ठीक है अगर पार्टी के लिए बहुत आवश्यक है तो आप गठबंधन बदलिए, लेकिन एक शर्त है, गठबंधन गठबंधन की तरह हो, गठबंधन आत्मसमर्पण के लिए ना हो, लीडरशिप नीतीश कुमार जी का रहे। लीडरशिप नीतीश कुमार जी का अगर रहता महागठबंधन के बाद भी, तो बिहार के लोगों ने 2015 में तो उस महागठबंधन को वोट दे ही दिया था, इसलिए कि नीतीश कुमार जी का लीडरशिप था। हम वैसा ही गठबंधन की बात कर रहे थे और यह बात हमने साफ साफ कही कि उस तरह का गठबंधन अगर है तो मेरी सहमति है। तो गठबंधन बनने के बाद बातें बदल गई, उस वक्त तक यही था कि उसी तरह का गठबंधन रहेगा जैसा 2015 में, लेकिन बाद में हुआ कि नहीं, पूरे तौर पे राष्ट्रीय जनता दल के हवाले, वहां से मेरा विरोध शुरू हुआ। तो जैसा कि जानकारी आपको दी गई और पहले से भी मालूम होना चाहिए कि पार्टी गठन के बाद एक विशेष यात्रा पर 28 फरवरी से ही हम लोग निकले हुए हैं। प्रथम चरण की यात्रा की शुरुआत चंपारण गांधी जी की कर्मभूमि से हुई और फिर कल जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी के गांव में थे, वहां से रात्रि विश्राम यहाँ हुआ और इसके बाद फिर अभी हम लोग जाएंगे छपरा, स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी का गांव है और फिर चंद्रशेखर सिवान उनका गांव है, वहां जाएंगे। प्रथम चरण की यात्रा का आज अंतिम दिन है, फिर दूसरे चरण की यात्रा में हम लोग गंगा के उस पार 15 मार्च से शुरू करेंगे और 20 मार्च तक यात्रा चलेगी। तो इस तरह से जहां जहां महापुरुष हमारे बीच से हुए हैं उनको याद करने के लिए सभी जगह जाने का यह कार्यक्रम है। देखिए बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन दिखा और यह मुजफ्फरपुर की धरती हमेशा से बहुत ही महत्वपूर्ण रही है बिहार की राजनीति के लिए और देश की राजनीति के लिए भी। जब हम मुजफ्फरपुर की चर्चा करते हैं तो सहसा हमारे दिमाग में समता पार्टी के गठन का वह दौर भी याद हो जाता है जब फकुली में जॉर्ज फर्नांडिस साहब के काफिला पर हमला हुआ था। कारवा की शुरुआत थी उस समय। हमला के बाद जॉर्ज साहब ने कहा कि
कुछ भी हमला हो हमारा कदम नहीं रुकेगा। और जिस कुशासन के खिलाफ हमने अभियान की शुरुआत की है, यह कुशासन एक दिन जरूर समाप्त होगा, इसका अंत किए बिना हम दम नहीं लेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन्होंने इस अभियान को बिहार में आगे बढ़ाया। हर तरह की परिस्थिति का सामना करते हुए मुजफ्फरपुर से एक तरह से कहिए कि शुरुआत हुई और पूरे बिहार में फिर बात गई। बाधा नजर आ रही है, कैसे बिहार को बचाएंगे? नहीं नहीं, हमने अपने बारे में नहीं कहा, वो नीतीश जी के बारे में सवाल किया तो व्यक्तिगत रूप से हमने कहा नीतीश, हम अपनी बात हम बता रहे हैं उस पर आपका सवाल है। अभी तो 10 से 15 दिन हुआ है हमने पार्टी बनाई है, हम और हमारे साथियों ने पार्टी बनाने के बाद यात्रा तय कर लिया, हम लोग निकल पड़े हैं। अपनी पार्टी के साथियों से परामर्श करेंगे कि क्या करना है हम लोगों को गठबंधन के संदर्भ में, तय करेंगे तभी बताएंगे। आज की तारीख में कुछ भी तय नहीं है गठबंधन के बारे में हमारी पार्टी से, तो अभी हम कैसे बता दें। दूसरी बात कि गठबंधन किससे हो, गठबंधन से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आज की तारीख में देश में अधिकांश पॉलिटिकल पार्टी है, कुछ अपवाद को छोड़ दीजिए, तो जो बिना गठबंधन के नहीं चल रही, तो हम अपनी पार्टी के लिए गठबंधन से पूरे तौर पे इनकार कर जाए यह हम नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, गठबंधन हम करेंगे तो इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे कि जो लोग बिहार को बचाने की इस मुहिम में सहायक होंगे हम उनके साथ राजनीतिक दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन उसमें अंतिम रूप से किसके साथ कब कैसे यह तो पार्टी के साथ ही डिसीजन करेंगे तो बताएंगे ना हम। एक चीज और बाधा नजर आ रही है, कैसे बिहार को बचाएंगे? नहीं, हमने अपने बारे में नहीं कहा, वो नीतीश जी के बारे में सवाल किया तो व्यक्तिगत रूप से हमने कहा नीतीश, हम अपनी बात हम बता रहे हैं उस पर आपका सवाल है। अभी तो 10 से 15 दिन हुआ है हमने पार्टी बनाई है, हम और हमारे साथियों ने पार्टी बनाने के बाद यात्रा तय कर लिया, हम लोग निकल पड़े हैं। अपनी पार्टी के साथियों से परामर्श करेंगे कि क्या करना है हम लोगों को गठबंधन के संदर्भ में, तय करेंगे तभी बताएंगे। आज की तारीख में कुछ भी तय नहीं है गठबंधन के बारे में हमारी पार्टी से, तो अभी हम कैसे बता दें। दूसरी बात कि गठबंधन किससे हो, गठबंधन से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आज की तारीख में देश में अधिकांश पॉलिटिकल पार्टी है, कुछ अपवाद को छोड़ दीजिए, तो जो बिना गठबंधन के नहीं चल रही, तो हम अपनी पार्टी के लिए गठबंधन से पूरे तौर पर इनकार कर जाए यह हम नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, गठबंधन हम करेंगे तो इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे कि जो लोग बिहार को बचाने की इस मुहिम में सहायक होंगे हम उनके साथ राजनीतिक दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन उसमें अंतिम रूप से किसके साथ कब कैसे यह तो पार्टी के साथ ही डिसीजन करेंगे तो बताएंगे ना हम। एक चीज और नहीं, हम तो बता रहे हैं कि ऐसा लगा मुझको पटना से बाहर निकलने के बाद इस यात्रा के क्रम में कि जो डिसीजन हमारा था उस डिसीजन पर बिहार की जनता ने मुहर लगा दी, क्योंकि इतना व्यापक समर्थन हमको दिख रहा है। हाँ, पटना में बैठकर जो खबर साथियों से हमने ली थी, 2 दिन बैठकर वहां मंथन किया था, उसमें हमारे साथी बता रहे थे कि बिहार के लोगों की भावना नीतीश कुमार जी के उस डिसीजन के खिलाफ है, वहां बैठकर हमने सुना था। लेकिन गांव में आने के बाद लगा कि साथियों ने जितनी जानकारी दी उससे ज्यादा लोगों के मन में व्यग्रता थी, तो जनता की भावना के का ख्याल रखते हुए हम लोगों ने डिसीजन लिया, और गांव में आने पर यह बात प्रमाणित है कि हमने जनता की भावना को सही समझा। एक लाख तेजस्वी के हाथ में जाएगा, लेकिन फिर तो ऐसी कोई बात नहीं, दोनों बोलना है कि हमको नहीं चाहिए। कौन बोल रहा है? तेजस्वी भी। अरे भैया तेजस्वी, आप उनके विधायक रोज क्या कर रहे हैं? उनके विधायक एक नहीं, कई विधायक रोज बोल रहे हैं, कोई कह रहे हैं होली के बाद, कोई कह रहे हैं खाली कीजिए जाइए। अब देखिए, कोई विधायक किसी पार्टी का इस तरह से बिना नेता की मर्जी का बोल सकता है क्या? लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ऐसी बात की जा रही। हमने अभियान की शुरुआत कर दी तो इसलिए थोड़ा कदम उन लोगों का अभी रुक गया है, छिछक गया है, बाकी अंदर में सारी चीजें तय है। और एक चीज और समझ लीजिए, ठीक है शपथ ग्रहण अभी नहीं हुआ है उस रूप में, लेकिन एक्शन क्या है,
एक्शन तो पूरे के पूरे तौर पे ऐसा एक्शन है जैसे लग रहा हो कि नीतीश कुमार जी डिप्टी सीएम है और तेजस्वी यादव सीएम है। मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा, मीडिया के बंधु ने उनसे सवाल किया मंत्री परिषद का विस्तार कब होगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डिप्टी सीएम से पूछ लीजिए। अब बताइए डिप्टी सीएम का विषय होता है क्या, यह विषय सीएम का होता है। और इतना ही नहीं, अब ढाई घंटा तक बैठकर मुख्यमंत्री इंतजार करे अपनी मंत्री परिषद के किस सदस्य का एक सरकारी कार्यक्रम में, आजादी के बाद आजाद हिंदुस्तान में संभवतः देश की यह पहली घटना होगी। तो इस तरह की स्थिति आरजेडी के लोगों ने बना दी है, महज औपचारिकता बाकी है, बाकी तो सब हर तरह से आरजेडी के जिम्मे ही पूरा शासन चला गया है, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना। हमने पटना में बैठकर जब कार्यक्रम बनाया था यात्रा का, उस वक्त हमको भी इतना अंदाज नहीं था इतना लोगों का समर्थन हमारे कार्यक्रम के प्रति दिखेगा। इतना अच्छा समर्थन, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग आज इस कार्यक्रम के साथ खड़े हैं। जहां जहां हम गए हैं यह साफ साफ दिखा है। इसलिए हम यहाँ के लोगों से भी यही आग्रह करने के लिए कल आए और आपके माध्यम से भी आग्रह करते हैं कि सब लोग मिलकर के बिहार को बचाने की इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। वरना जॉर्ज फर्नांडिस साहब जैसे लोग, बाकी और जो भी समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हमारे पुरखे रहे हैं, उनका जो सपना था वह सपना चूर चूर हो जाएगा। इसलिए सभी लोगों से आग्रह है कि सब लोग बिहार को बचाने की इस मुहिम में हमारा साथ दे, यही आग्रह सब लोगों से है। हम लोगों की ओर से यही बात है। आप कोई सवाल पूछेगा उसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले एक जानकारी, क्योंकि बीच में फिर प्रश्नोत्तर के बाद आप डिस्पर्स करने लगिएगा। बहुत सारे लोग आज यहाँ ज्वाइन करेंगे हमारी पार्टी, अलग अलग पार्टियों को छोड़कर, विशेष रूप से जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर। उसकी सूची आपको उपलब्ध करा देंगे यहाँ के साथी, सूची अभी है, उपलब्ध करा देंगे अंत में। तो उतनी जानकारी लेकर तब यहाँ से आप जाइएगा। अब सवाल वो बीजेपी में जा। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।